वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज समुचे खालसा पंथ वास्ते बड़ी दुख का खबर है कि साडे बहुत ही सत्कार शख्सियत सिंह साहब यानी सतजिंदर सिंह जी ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब वो गुरु साहब के हुक्म के मुताबक संसार यात्रा वास्ते आए और दिती हुई सुवासा की पूंजी भोगदे हुए बहुत ही सत्कार पदवियों से जड़े सेवा करते हैं गुरु साहब के चरणों से। उन्होंने कुछ समय पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब के बतौर सिंह साहब नियुक्त होने पहला बतौर हैड ग्रंथी तरन तारण दरबार साहब भी बड़ा लंबा समा सेवा की। नवदेव टकसाल के विद्यार्थी सन, टकसाल के विद्यार्थी होने करके उन्होंने गुरबाणी प्रति बहुत अकीदा बड़ी श्रद्धा बड़ा सत्कार से और बड़ी शुद्ध उच्चारण से गुरबाणी का और यह व्यक्तिगत गुणों के करके वो समुचे पंथ में बहुत सत्कार के पात्र बन के रहे हैं और लंबा समा गुरु साहब के चरणों से क्योंकि ये गुरु रामदास पातशाह पाव पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब की सेवा जी है ये बहुत ही वड्डे पूर बड़े भागों का सदका जी नसीब होंगी है। समुचे खालसा पंथ की समुची आबादी के पांच सौ शरीर ने जिहड़े बतौर सिंह साहब बतौर हैड ग्रंथी साहब जिहड़े सेवा कर रहे हैं उन्होंने एक सन है। इस वास्ते गुरु साहब ने बड़ा उन्होंने सुभाग बख्श किया लंबा समा सेवा की है। समुची सिख संगत ने समुचे खालसा पंथ के सरकार सत्कार के पात्र रहे हैं बहुत उच्चा सुचा जीवन बड़े मिठ बोलड़े सज्जन बड़े रंगले सज्जन सन और साड़ी भी जी यही तमन्ना भी है और ये भी निश्चय ही है कि गुरु साहब का जिवें हुक्म है कि गुरमुख जन सवार दरगे चलिया सची दरगे जाए सचा पड़ मलिया निरसंदे वो शरीर ढागन तो बाद गुरु साहब के पावन पुत्र चरणा जा विराजे और महाराज साहब बख्शिश कर जिमें उन्होंने अपने चरणा से निवास बख्शिश किया इस तरह परिवार ने समुचे पंथ में भाने में रहा बाल पुत्र समर साहब बख्शिश कर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।